नमस्कार, घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। अस्थमा की बीमारी में दौरा तेज होते ही मरीज को दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अस्थमा क्या होता है और इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इसके बचाव क्या है। अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। ये फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिस कारण श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। ये मौसम बदलने के बाद जो धूल उड़ती है उससे कीटाणुओं के फैलने पनपने का मौका मिल जाता है जिस कारण इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। आज के समय में अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। अस्थमा की बीमारी में दौरा तेज होते ही मरीज़ के दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसे में वो खुद को बेचैन व थका हुआ महसूस करने लगता है। आइए जानते हैं इससे होने वाले बचाव और लक्षण के बारे में। अस्थमा के जो कारण है वो है पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की आदत, अचानक मौसम में होने वाले बदलाव, प्रदूषित माहौल या धूल भरे वातावरण में रहना, बहुत अधिक ठंड या ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना। ये बीमारी अनुवांशिक भी हो सकती है, साथ ही वायरल इन्फेक्शन या बार बार सर्दी जुकाम या एलर्जी होना, अधिक मात्रा में शराब पीना, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होना, कुछ विशेष प्रकार की दवाएँ लेना, अतिरिक्त मात्रा में प्रोसेस्ड या जंक फूड खाने के कारण, ज़्यादा नमक खाने के कारण भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। जो अस्थमा के लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि बार बार होने वाली खांसी, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, छाती में जकड़न महसूस होना, बात करते हुए, चलते हुए या बैठे रहने पर दम फूलना, खांसी के साथ कफ न निकल पाना, बेचैनी होना, रात में या सुबह के समय स्थिति और गंभीर हो जाना, ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर हो जाना, ये अस्थमा के कुछ लक्षण हैं। साथ ही अस्थमा से बचाव कैसे किया जाए वो हम आपको बताते हैं। धूल मिट्टी, धुआं, प्रदूषण और सिगरेट से खुद को दूर रखें। ऐसे माहौल में अपने साथ मास्क रखें और मास्क का उपयोग करें। पेंट, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कॉइल का धुआं, खुशबूदार इत्र से भी खुद को बचा कर रखें। रंगयुक्त व फ्लेवर एसेंस, प्रिजर्वेटिव मिले हुए खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा चीज़ों को ना खाएं। एक लीटर पानी में 2 बड़ा चम्मच मेथी के दाने डालकर आधा घंटे तक उबालें। उबालने के बाद छान लें। 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट एक छलनी में डालकर उस रस को निकालकर मेथी के पानी में डालें। उसके बाद 1 चम्मच शुद्ध शहद इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अस्थमा के रोगी को ये मिश्रण प्रतिदिन सुबह पीना चाहिए। 2 छोटे चम्मच आंवला का पाउडर एक कटोरी में लें और उसमें 1 छोटा चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिला लें। हर रोज़ सुबह इस मिश्रण का सेवन करें। 4-5 लौंग को करीब 1 कप पानी में 5 मिनट तक उबालें। जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें शहद मिलाकर पिएं। दिन में 2 बार इसे पीने की आदत डालें। ये छाती की जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और कफ निकालने में कारगर होगा। अजवाइन मिलाकर पानी उबाल लें और इसे पिए भी और इसकी भाप लें। ये छाती की जकड़न को खत्म कर सांस लेना को आसान बनाता है, साथ ही मौसम के बदलाव का असर भी नहीं पड़ने देता। वहीं लहसुन की 2 कलियों को जब चाय बनाएं तो उसमें अदरक के साथ उबाल कर पिएं। सुबह शाम पीने से अस्थमा कंट्रोल में रहेगा। 1 कटोरी में शहद लें और उसको सूंघने से दमा के रोगी को सांस लेने में आसानी होती है। गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने से भी दमा के रोगी को आराम मिलता है क्योंकि ये श्वसन के मार्ग को साफ कर सांस लेने की प्रक्रिया को आसान करता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।